दिल्ली से खबर, जहां पर एलजी आवास के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। एलजी पर अभियान की फाइल रोकने का आरोप है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है एलजी आवास के बाहर की खबर आ रही है, जहां पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को लेकर प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी। एलजी पर अभियान की फाइल रोकने का आरोप है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के, जहां पर एलजी आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे हुए हैं। प्रदर्शन यहां पर हो रहा है आम आदमी पार्टी का, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। एलजी पर अभियान की फाइल रोकने का आरोप है। तो बड़ी संख्या में यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, नारेबाजी यहां पर हो रही है। एलजी आवास के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली की सरकार एक अच्छा काम करी, इसको भी रोकना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। फाइल 21 तारीख को भेजी गई थी और आप लोग 27 को ही ऑफिस बंद कर दिए, जबकि 31 अक्टूबर को ये स्कूल शुरू होनी थी। अरे भाई साहब, तो 31 को इन तैयारी होगी, फाइल पास होगी, पूरा सरकारी महकमा लगेगा, वॉलेंटियर लगेंगे, पूरी तैयारी करने के लिए समय आएगा ना। यदि आप करेंगे अगर तैयारी कब होगी, कब प्लान बनेगा, कब आगे साफ तौर पे जो है वो दिलीप पांडे यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश हम लोग करते हैं। दिलीप पांडे को लीड, दिलीप पांडे सर, गाड़ी ऑन और बिजली, गाड़ी ऑन और रेड लाइट ऑफ की जो बात है, जो फाइल की बात आ रही है, उसके बारे में सबसे पहले क्या करने जाएंगे भाई साहब? हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि एलजी साहब की दिल्ली वालों से कौन सी दुश्मनी है, दिल्ली वालों ने उनका क्या बिगाड़ा है। दिल्ली की सरकार लगातार प्रयास कर रही है दिल्ली की आबो हवा को साफ करने की, और एलजी साहब इसके उलट सारे प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली की सरकार के प्रयासों कैसे कुचला जाए। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का कैंपेन दिल्ली की आबो हवा को साफ करने में एक कदम था। एलजी साहब ने अधिकारियों पर दबाव बना के, तानाशाही रवैया बना के उस फाइल को रोक रखा है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आप अपनी गंदी, पता नहीं कौन सी गंदी सियासी सोच के तहत आपने इस बात की चिंता करना छोड़ दी है कि अगर आबो हवा गंदी होती है, हवा गंदी होती है तो दिल्ली वालों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। हम यहाँ यही चेताने आए हैं एलजी साहब को कि भी यहाँ पे कुछ 1000 लोग इकट्ठा है, इस फाइल को पास करिए, वरना पूरी दिल्ली यहाँ पे इकट्ठा होगी और आपसे जवाब मांगेगी कि कौन सी गंदी सियासी सोच से प्रेरित होकर आप दिल्ली वालों की जान से खिलवाड़ करें। कहा यह भी जा रहा है कि फाइल को अप्रूव करने में कुछ वक्त लगता है, तो वो वक्त तो कम से कम दे। ऐसे क्यों वक्त लगता है, क्या लगा रखा है लोगों ने? भाई सरकार के अंदर काम जल्दी होने चाहिए ना, वक्त क्यों लग रहा है आपको? आपको हवा गंदी होना शुरू हो रही है, दिल्ली की सरकार तेजी से काम कर रही है, आप काम ही नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है। आप भाजपा आपको जो बताती हो, आपको छपास की जो बीमारी लगी हो आप करिए, लेकिन दिल्ली वालों की जान से खिलवाड़ करना बंद करिए। आपने सवाल, आज के प्रदर्शन का कितना असर आपको लगता होगा, कि आज के प्रदर्शन का असर होगा, फाइल अप्रूव होगी? आज तो हम कुछ 1000 चेताने आए हैं, 31 तारीख से पहले फाइल पास करिए ताकि इस कार्यक्रम की सारी तैयारियां दिल्ली सरकार पूरी कर सके। न होने की स्थिति में पूरी दिल्ली से लाखों लोग यही सवाल लेके कुछ दिन बाद वापस आएंगे एलजी के दरवाजे पे। दिलीप पांडे थे जो बता रहे थे कि जो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की जो पूरी काम है उसको लेकर जो है वो एलजी जो है फाइल जो है वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं, और 31 तारीख से जो ये जो 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 चीजें हैं वो लागू होनी है, लेकिन अभी तक अगर एलजी ने फाइल जो है वो क्लियर नहीं किया, अगर 31 तारीख से ये फाइल जो है अप्रूव नहीं होती तो लाखों लोग इसी तरीके से सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे। जी, तो 31 तारीख की तारीख यहाँ पर बताई जा रही है कि 31 तारीख का वक्त यहाँ पर दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी एलजी पर दबाव बनाती है, ये गंदी सियासत हो रही है। बंद करो। देख सकते हैं आप किस तरह से आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन हो रहा है।
रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को लेकर यहां पर आम आदमी पार्टी एलजी आवास के बाहर पहुंची है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि फाइल रोकी जा रही है, इस अभियान को लेकर फाइल रोकने का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग कैमरे की दो तस्वीरें एक ही जगह की, किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एलजी आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को लेकर यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। बड़ा आरोप यहां पर एलजी पर लग रहा है कि फाइल रोकी जा रही है, इसको लेकर आरोप है। तो कुछ देर पहले आपने सुना भी, आम आदमी पार्टी की तरफ से बात कही जा रही थी कि 31 अक्टूबर तक का समय यहां पर दिया गया है कि 31 अक्टूबर तक अगर फाइल पास नहीं होती है तो इस तरह का प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा, दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है और दिल्ली वालों की जान से खिलवाड़ यहां पर हो रहा है। बीजेपी पर बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि बीजेपी एलजी पर दबाव बनाती है, इसी वजह से ये गंदी राजनीति होती है, गंदी सियासत होती है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के एलजी आवास के बाहर की तस्वीरें, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को लेकर, ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। एलजी पर अभियान की फाइल रोकने का आरोप है, ये मांग की जा रही है, सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है फाइल पास करने में, फाइल को रोका जा रहा है, ये बड़ा आरोप यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगा रही है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी सर। ये भी कहा गया कि दिल्ली सरकार तेजी से काम कर रही है, दिल्ली की आबो हवा को साफ करने का प्रयास कर रही है, कदम उठा रही है, लेकिन उसे रोका जा रहा है, ये बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। एलजी आवास के बाहर बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे हैं, नारेबाजी यहां पर हो रही है और सवाल किया जा रहा है 31 अक्टूबर तक का समय यहां पर आम आदमी पार्टी ने दिया है कि अगर तब तक फाइल पास नहीं होती है उसके बाद और प्रदर्शन उग्र हो जाएगा। से आपको क्या शिकायत है, इतने सालों से चल रहा है, पॉल्यूशन रुकता है, पेट्रोल की बचत होती है, लेकिन वो कहते नहीं एमसीडी इलेक्शन हार जाएंगे। योगा चल रहा था, 17,000 लोग योगा से फायदा ले रहे हैं, बंद करो क्यों, नहीं तो एमसीडी इलेक्शन हार जाएंगे। अरे हमसे हर चीज एमसीडी इलेक्शन हो गई इनके लिए, ये तो पूरा तानाशाही है, वहाँ वो गुजरात हार रहे हैं, यहाँ पर ये इलेक्शन। आप लोगों की भी राजनीति एमसीडी के इलेक्शन के चलते ही चल रही है सर। एमसीडी नहीं है, एमसीडी में जो उनका भ्रष्टाचार है कूड़े से लेकर पॉल्यूशन से लेकर सारा, ये उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। 8 सालों में अभी तक आप लोगों की सुगबुगाहट जोर नहीं बढ़ी, एमसीडी चुनाव की तारीखें पास आने लगी, मुख्यमंत्री लैंडफिल साइट पे पहुंच जाते हैं, आप लोग इन सारी चीजों को लेके एलजी सक्सेना को घेरना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति के आरोप का आप पर भी। सर देखो हर चीज को आप चुनाव से ना छोड़िए।